News 18, India. एक ब्रेकिंग न्यूज है, बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये है कि दोनों ही पार्टियों ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अब नए सिरे से बात करनी शुरू कर दी है। दावा ये भी है कि टीएमसी कांग्रेस को 5 सीटें देने के लिए तैयार है। इसमें मालदा की 2 सीटें शामिल है, इसके अलावा बिरहमपुर, रायगंज और दार्जिलिंग की सीट भी शामिल है। लेकिन कांग्रेस ने 3 और सीटें मुर्शिदाबाद, जंगीपुर और पुरुलिया की मांग कर दी है। मतलब ये कि कांग्रेस टीएमसी से 8 सीटों की इस वक्त मांग कर रही है। हालांकि आपको ये भी बता दूं, दावा यह है कि टीएमसी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर लगभग बात बन गई है। वहीं टीएमसी ने असम में 1 और मेघालय में 1 सीट कांग्रेस से मांग ली है। चॉपर में लाई गई और 2 जख्मी हैं, उनको भी रेस्क्यू किया गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां के प्रशासन के मुताबिक गुलमर्ग में दोपहर करीब 2 बजे पहाड़ों पर बर्फ की चट्टान टूटी और उसकी वजह से वहां के हालात बिगड़ गए। बर्फ में विदेशी पर्यटकों के फंसने का पता चलने के बाद फौरन वहां के लिए रेस्क्यू टीम भेज दी गई। बर्फ पर चलने वाली और बर्फ काटने वाली मशीनें भी वहां भेजी गई और उन्हीं की मदद से बर्फ के नीचे दबे पर्यटकों को वक्त रहते निकाल लिया गया। लेकिन बर्फ में दबने की वजह से कुछ पर्यटकों की हालत बेहद खराब हो गई, इसी वजह से उन्हें फौरन हेलीकॉप्टर से अस्पताल भेजा गया। और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों के मुताबिक विदेशी पर्यटकों का ये ग्रुप वहां रहने वाले लोगों को साथ लिए बिना पहाड़ों की ढलान पर स्कीइंग के लिए चला गया था। जबकि लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए वहां पहले ही बर्फीली चट्टान खिसकने की आशंका जताई गई थी। लेकिन इसके बाद भी विदेशी पर्यटक गुलमर्ग के उस हिस्से में स्कीइंग के लिए पहुंच गए जहां सबसे ज्यादा खतरा था। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों के मुताबिक उन विदेशी पर्यटकों ने इसकी जानकारी वहां रहने वाले लोगों को नहीं दी और न ही वो उन्हें साथ लेकर गए। इसीलिए जब पहाड़ों से बर्फ का सैलाब नीचे उतरा तो वो संभल नहीं पाए और उसमें दब गए। हालांकि उन्हें बचाने के लिए फौरन रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई, लेकिन बर्फ में दबे पर्यटकों को ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं था। बहुत मुश्किल होता है ऑपरेशन अंजाम देना, जान की कोई गारंटी नहीं होती थी, क्योंकि जब हम वहां पे पहुंचे तो बहुत ज्यादा हवाएं चलती थी, इर्द गिर्द कुछ नहीं दिख रहा था। बर्फ की चट्टान तब खिसकती है जब हजारों टन बर्फ पहाड़ों की ढलान से नीचे की तरफ बहने लगती है। असल में पहाड़ों पर बर्फ परत के रूप में जमा होती है, ऐसे में दबाव पड़ने या फिर हिलने डुलने की वजह से ऊपर की परतें तेजी से नीचे की तरफ लुढ़कने लगती हैं और इसी वजह से वहां बर्फ का सैलाब बहने लगता है। उधर कांग्रेस ने महिलाओं की गुमशुदगी के मुद्दे पर ओडिशा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भुवनेश्वर में कांग्रेस नेता अलका लांबा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इनमें महिलाओं की अच्छी खासी संख्या थी और ये सभी लोग भुवनेश्वर में सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही पुलिस ने इन्हें रोका, हंगामा शुरू हो गया। भुवनेश्वर में सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शन में महिलाओं की संख्या अच्छी खासी थी और ये सभी आगे बढ़ने के लिए पुलिस से जूझती नजर आईं। कुछ तो जमीन पर बैठ गई। इन्हें उठाने के लिए पुलिस ने खूब मेहनत की, लेकिन हंगामा नहीं रुका, क्योंकि अलका लांबा की अगुवाई में प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने बैरिकेड गिराने की कोशिश की, पुतला भी जलाया। भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार के खिलाफ ये हंगामा महिलाओं की गुमशुदगी के मुद्दे पर हुआ। झूठा मिशन शक्ति के नाम पर जो झूठ बोला उसकी पोल खोल रही है ना ये बहने, ये दिल्ली से नहीं लाई। कांग्रेस के मुताबिक पिछले 2 साल में देश में करीब 10 लाख लड़कियां लापता हुई, इनमें ओडिशा की लड़कियों की संख्या ज्यादा है और इसीलिए कांग्रेस ने ओडिशा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की। इधर जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ खिसकने से हाईवे बंद हो गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ खिसकने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हालात और बिगड़ गए। पिछले 4 दिन से वहां पहाड़ों से मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने 80 किलो गांजा बरामद करने का दावा किया। इस सिलसिले में 3 लोग। जयपुर में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का गुर्गा रामचंद्र डूडी उर्फ सुखदेव को गिरफ्तार कर लिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। सुखदेव ने 2 साल पहले बीकानेर के कारोबारी को अगवा कर 20 लाख रुपए की रंगदारी वसूली थी। कारोबारी को किडनैप कर गैंगस्टर रोहित गोदारा से बात भी करवाई थी और इसीलिए अब इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर पुलिस की तरफ से देखा जा रहा है। कारोबारी से 20 लाख रुपए की ये रंगदारी वसूली थी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का एक गुर्गा गिरफ्तार हो चुका है।
कहा गया कि वो तीनों अलग अलग मोटरसाइकिल से कंबलों में गांजे को छिपा कर ले जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में महाराष्ट्र के ठाणे से पहुंची एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बताया गया कि वो महिला मथुरा में अपने एक दोस्त के यहाँ आकर रुकी थी। उधर दक्षिण अमेरिका में अमेजोन के जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा सांप मिलने की खबर आई। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील के अमेजोन के जंगलों में दुनिया का सबसे बड़ा सांप मिलने का दावा किया गया। खबर है कि वहां के जंगलों में एक बेहद दुर्लभ प्रजाति का हरा एनाकोंडा मिला। इस एनाकोंडा की लंबाई करीब 26 फीट और वजन 500 किलो बताया गया। सुप्रीम कोर्ट परिसर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। इसके जरिए लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयां मिलेंगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ED ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 7वीं बार समन्स भेजे। जांच एजेंसी ने उन्हें सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। अरविंद केजरीवाल इस मामले में एक बार भी ED के सामने पेश नहीं हुए। उधर उत्तर प्रदेश के बाद विपक्षी गठबंधन के बीच दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में भी सीट शेयरिंग पर बात बन सकती है। सूत्रों ने खबर दी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया। यानी अखिलेश यादव के साथ बात बनने के अगले ही दिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी बात बनती नजर आई, क्योंकि सूत्रों ने खबर दी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। इसके तहत दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। इससे पहले ही सीट शेयरिंग पर केजरीवाल का नर्म रुख दिख गया था। देखिए अगले एक दो दिन में क्या होगा। लेकिन सूत्रों ने खबर दी कि विपक्षी गठबंधन में दिल्ली के अलावा हरियाणा और गुजरात में भी सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई और गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ये दोनों सीटें भरूच और भावनगर हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी हरियाणा में 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस चंडीगढ़ से चुनाव लड़ सकती है। इस बीच 22 मार्च को IPL का पहला मैच चेन्नई में खेला जाएगा। 22 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का आगाज होगा। इस सीजन का पहला मैच चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स और RCB के बीच खेला जाएगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस साल IPL 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 21 मैच खेले जाएंगे। चोट की वजह से गेंदबाज मोहम्मद शमी इस बार IPL का एक भी मैच नहीं खेल पाएंगे। गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने पिछले साल IPL में सबसे ज्यादा 28 विकेट लिए थे। एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई बार तारीफ की। वो गोरखपुर में इनकम टैक्स विभाग के नए भवन के लोकार्पण समारोह में पहुंची थी। हर जिला में कम से कम एक बार, कई बार दो बार भी जाते हैं एक जिला में विदिन 1 ईयर। उधर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वादे पूरे न करने का आरोप लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य की जगन सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ चलो सचिवालय रैली निकाली और सैकड़ों की संख्या